नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आपण मानू पुणी थे एक निजुक्तिपूर्ण वीडियो को। तो आज ए वीडियो रे आम मैंने डिस्कस करवा नोटिफिकेशन उपरे। तो ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ यही नोटिफिकेशन टी छड़ा जाई गत 29 डिसेंबर 2023। तो यहीटा गोटे कंबाइन रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन अटे जहाँकि आपण मानक 2024 कंडक्ट कर। तो यही रिक्रुटमेंट रे आरआई, आईसीडीएस सुपरभाइजर, एआरआई, अमीन एवं एसएफएस पाई वैकेंसी बाहरी। तो कंबाइंड एटा गोटे रिक्रुटमेंट अटे कंबाइंड माने आपण माने केवल गोटे रे आवेदन करिपारिबे। आपण माने चाहिले आरआई रे किंबा आईसीडीएस सुपरभाइजर रे किंबा एआरआई रे किंबा अमीन किंबा एसएफएस रे आपण माने आवेदन करिपारिबे। आपण मानंकु कहि रखे ए जेउ आईसीडीएस सुपरभाइजर टा एटा होची अंगनवाड़ी सुपरभाइजर। तो एटा केवल फीमेल कैंडिडेट मानंक पई, फीमेल कैंडिडेट माने ही ए गोटे रे आवेदन करिपारिबे। बाकी समस्त फीमेल आउ माने मेल दुहे आवेदन करिपारिबे। तो यठार देखिपे इम्पोर्टेंट डेट्स रही जे के आपण मानकर आवेदन अच्छी। तो यठार देखु स्टार्ट डेट 30/12/2023 रही जहाँकि आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गलानी। 30 डिसेंबर रु आपण मानक स्टार्ट हो जाए। लास्ट डेट रही 25/1/2024 माने 25 जनवरी 2024 पर्यंत आवेदन रहिबो, आवेदन प्रक्रिया चालू रहिबो। तो यठार बहुत गुड़े जिनस अच्छी। तो आरआई, आईसीडीएस सुपरभाइजर, एआरआई, अमीन एवं एसएफएस पाई टोटल वैकेंसी जदि देखा यठार अच्छी 2895 पोस्ट आपण मान रही। तो समस्त देखा जी के कौन पोस्ट रही डिस्ट्रिक्ट व्वज एवं यठार बहुत गुड़े कथा अच्छी। तो यार देखिपे स्केल ऑफ पे अच्छी नेम ऑफ द पोस्ट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर कर रही 1,12,400 पर्यंत आपण मानकर सैलरी रही। अच्छी आईसीडीएस सुपरभाइजर मानक 35,400 एमती माने स्केल ऑफ पे अच्छी आपण माने एटा देखिपारे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जदि देखा योग्यता कौन रही सीटा मुझे आपको कहीदेव एज एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपण मानकर एठारे रेवेन्यू इन्स्पेक्टर पई रही आरआई पई रही आपण माने बैचलर डिग्री आपण मानक पाखरे थिबा आवश्यक। आपण माने ग्रेजुएशन जहाँ को आपण माने प्लस थ्री कहते सेटा कंप्लीट कर आवश्यक। आपण माने बीए, बीकॉम, बीएससी ए तीनोटी मध्यरु जेउटा करथिले मध्ये आपण माने आवेदन करिपारिबे। तो एज एठारे रही 20 रु 38 वर्ष आपण मानकर जदि एज अछि 20 होइछि ताहेले 20 रु 38 वर्ष मध्ये अछि ताहेले आपण माने आवेदन करिपारिबे। तापर अच्छी आईसीडीएस सुपरभाइजर बा फॉर फीमेल ओनली देखिपे अंगनवाड़ी कर्मी जदि आपण हेबा को चाहूँ अंगनवाड़ी सुपरभाइजर ताहेले आपण मानकर बयस एठार 21 रु 38 वर्ष होइतिबा दरकार। आ क्वालिफिकेशन कथा जदि देखिबा एठारे अच्छी आपण मानकर बैचलर डिग्री आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ए जो दुईटा देखुं आरआई एवं आईसीडीएस यही दुईटापी आपण मानकर पाखरे प्लस थ्री जहाँ को आपण ग्रेजुएशन कहते से डिग्रीटा आपण मानक रही दरकार। कौन सी भी आपण मानक जदि बैचलर डिग्री अच्छी ताहले आपण माने पोस्ट पर आवेदन करिपारिबे। तो यठार अच्छी असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आउ अमीन पाई सेम क्वालिफिकेशन रही। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2। आपण माने जदि 10+2 माने प्लस टू पास करते आपण माने आवेदन करिपारिबे। एठार एज रही 20 रु 38 वर्ष यही दुई पोस्ट 20 रु 38 वर्ष रही मन रखु। तापर आपण माने जदि 10 पर जदि अन्यान्य जदि डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते आपण अप्लाय करिपारिबे यही दुईटी पोस्ट। तापर तल को जी एटे देखिपे 5 नंबर अच्छी स्टाटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर बा एसएफएस पाई कौन क्वालिफिकेशन रही आपण मान प्लस टू पास मागिची। तो आपण मान बयस एठार 21 रु 38 वर्ष रही दरकार जहाँकि बहुत बढ़िया रही एजटा आपण मान मिनिमम एज 21 वर्ष कम्प्लीट हो दरकार। आ 38 वर्ष मध्य आपण मैंने आवेदन करेंगे 21 रु 38 वर्ष। तो यठार देखिपे रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट तो कौन रहा एज लिमिट सेटा मध्य रिलैक्सेशन रही आपण मानकर एससी, एसटी, एससीबीसी 5 ईयर रिलैक्सेशन रही। तापर आपण मानकर आउ गोटे रही जदि आपण मैंने द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फर कैंडिडेट्स बिलंगिंग टू वुमेन कैटेगरी फर पोस्ट अफ आरआई, एआरआई, अमीन आउ एसएफएस आपण मैंने जदि जड़े महिला कैंडिडेट रहती ताहले आपण मानक 5 इयर रिलैक्सेशन रही। तापर फॉर द पोस्ट ऑफ आईसीडीएस सुपरभाइजर द एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स फॉर वुमेन कैंडिडेट शैल नॉट बी एप्लीकेबल एज दिस पोस्ट आर मीन्ट फॉर वुमेन ओनली। तो आईसीडीएस सुपरभाइजर पर 5 इयर्स रिलैक्सेशन रही वुमेन मानक।
तो एगुड़िक रही रिलैक्सेसन जदि आपण मैंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बा हैंडिकेप अटंती ताहले आपण मानकर 10 वर्षर रिलैक्सेसन रही जदि आपण मैंने जदि जने हैंडिकेप अटंती तो एपरी आपण मैंने देखिबे ए विषय रे मु बेसी किछि कहूनी आपण मैंने तो जानिथिबे। आउ गोटे कथा जदि आपण मैंने जड़े अंगनवाड़ी कर्मी अटंती अंगनवाड़ी वर्कर ताहले आपण मानक 5 इयर्स रिलैक्सेसन रही ICDS सुपरभाइजर पर महिला कैंडिडेट मानक तो ये मुझ तल को स्क्रोल करुच्चा भल भाव आपण मैंने पढ़ी ने जदि मन में डाउट रही जनइबे तो यहीपर रिलैक्सेसन रही देखने तापर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखा जरूरी नुहे तो आपण मानक मुझे देखा जो टोटाल वैकेंसी के बाहरी तो आपण मानक क्यों साइट्रे आपण मैंने आवेदन करेंगे आवेदन साइट्टी हूँ www.ossc.gov.in जाकि आपण मैंने आवेदन करेंगे यठार देखुं मेनसन कराई तो युड़क आम डिस्कस करवा जे यहाँ रही आपण मान मार्क भिडियोटी लंबा होपण मानी आउ देखेदे वैकेंसी गुड़िक केते बाहरी तो सबकि देखा तो यठार देखिए तो प्रथम आम डिस्कस करवा आरआई पर तो यठार देखु आरआई बा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर पर जो वैकेंसी रही मुझे देखेदे टे जूम इन कर करदे आपण मानक सबकि भल भाव देखा जीवो। तो यठार रही आरआई पर रेवेन्यू इन्स्पेक्टर पर देखुवे तो रेवेन्यू इन्स्पेक्टर पर टोटाल वैकेंसी रही देखिपारे ये आपण मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज रही तो रेवेन्यू इन्स्पेक्टर पर टोटाल पोस्ट आपण मान रही रही कतेना 559 माने 5590 आपण मान रेवेन्यू इन्स्पेक्टर पर रही 559 पोस्ट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर टोटाल पोस्ट तो सब डिस्ट्रिक्ट रही 30 डिस्ट्रिक्ट बहुत भल भल वैकेंसी रही तापर आसवा तलकु तो तलकु आसिले आपण मैंने देखिपारे ये सुपरभाइजर पर मानने ICTS सुपरभाइजर पर रही वैकेंसी टोटाल ये आपण मैंने देखिपारे 498 पोस्ट रही आपण मैंने जो जिलार से देखिपारे अच्छी आपण मानक सुपरभाइजर सेटापर अच्छी आपण मानक असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर बा एआरआई पर रही अनुगुल रही 20 बरगढ़ पर रही 23 भद्रक 17 बालेश्वर 62 बलांगीर 27 बौद्धर 8 कटक 68 देवगढ़ 6 ढेंकानाल 12 गजपति 18 एपरी रही तो नेक्स्ट भिडियो मुझे सबकि डिटेल देखेदेवि तो यहाँ थी इनफर्मेसन आज वीडियो रे जे के कौन वैकेंसी रही तो वीडियो देखेले लंबा होती आपण मैं ये वीडियो रे जनइली जे टोटल पोस्ट केते रही आवेदन केबे करिवे एवं क्वालिफिकेशन आउ एज विषय में आपण मैं जनईदेली जदि वीडियोटी पसंद लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे मनरे किसी डाउट थे मत कमेंट बक्स में निश्चय भाव में जनइबे तो आज वीडियो रे एतिकी वीडियो रे जदि भल लगी लाइक करेंगे तो रोचे फ्रेंड्स पुणी देखा एमती एक इनफर्मेटिव वीडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ वंदे मातरम।